हेलो नमस्ते, आप सभी का पुष्पा किचन में स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोदक, तो जो गणेश भगवान का प्रसाद बनता है उस तरह से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन सा सामग्री हम यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणपति पापा के प्रसाद के लिए उकड़ीची मोदक है। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, घी ली हूँ, इलायची पाउडर है, यहाँ पे गिल्ला खोबरा है, नारियल उसे मैं घिस ली हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे गुड़ ली हूँ। तो एक पतीला गरम करने के लिए रख दी हूँ गैस पर। अब इसके अंदर पानी डालती हूँ और घी थोड़ा सा डाली हूँ, और अब इसे थोड़ा चावल का आटा डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मैंने निकाल लिया है, एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसे हम ढक देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख लिया है गर्म होने के लिए। अब मैं इसके अंदर घी डालती हूँ। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें घिसा हुआ नारियल गड़ी का बुरादा डालेंगे और इसे हम 3-4 मिनट के लिए चला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम चला लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं गुड़ डालती हूँ, तो गुड़ को डालकर हम इसे भी चला लेंगे 4-5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से हम भून लेंगे, गुड़ उसके अंदर एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो चलिए, मोदक बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, और जो भगवान का जो भोग लगता है गणेश जी का उनका ये। अब इसके अंदर मैं इलायची पाउडर डालती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची पाउडर डालने से। तो आप इसे प्लीज़ स्किप मत कीजिए, आप इसे डालिए इलायची पाउडर को। गुड़ देखिए एकदम अच्छी तरह से पिघल रहा है। जब एकदम अच्छी तरह से जब पिघल जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा ये। तो हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। देखिए गुड़ एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है नारियल के अंदर। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ, और यहाँ पे चावल का आटा है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा और पानी डालकर मल लेंगे, आटे को अच्छी तरह से और भी गूँथ लेंगे। देखिए ये इस तरह से हो जा रहा है, तो इसे थोड़ा और पानी डालकर हम गूँथ लेंगे आटे को। दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से हम मल लेंगे और एकदम मुलायम स्मूथ आटा गूँथेंगे हम, ताकि जो हमारा मोदक है वो अच्छा बने। तो इस तरह से हम उसे गूंथते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है। अब चावल के आटे को लगाकर हम अच्छी तरह से इसे मल लेंगे। तो आटे को अच्छी तरह से हमने मल लिया है, गूंथ लिया है एकदम मुलायम और नरम। और यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से हम इसे हाथों से गोला बनाएंगे, इस तरह से। और अंगूठे से बीच में, अंगूठे को बीच में रखे, इस तरह से हम कटोरी की तरह इसे कर लेंगे। देखिए कटोरी की तरह हम इसे बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग को हम डालेंगे, ये स्टफिंग को उसके अंदर तब डालेंगे कटोरी की तरह जब हम बना लेंगे उसको। तो इस तरह से देखिए गोल करके इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे अंगूठे को बीच में रख कर। उसके बाद हम इसे साइड साइड से पतला होना चाहिए थोड़ा। अब इसके अंदर स्टफिंग को डालेंगे, इस तरह से हम स्टफिंग को इसके अंदर डालेंगे। देखिए मैं हाथों से ही बना रही हूँ, तो इसे इस तरह से हम एक अंगूठे को आगे की तरफ करेंगे, दो अंगूठे पीछे की तरफ करेंगे, और इसे इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। हाथों से ही बहुत अच्छा डिजाइन बनता है ये, और आसान भी है हाथों से ही बनाना। तो मैं हाथों से ही बना रही हूँ। देखिए डिजाइन बनके तैयार हो चुका है मोदक का। अब इसे इस तरह से हल्के हाथों से गोल गोल करके घुमाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाते जाएंगे, तो फाइनली मोदक बन के तैयार हो चुका है। होममेड रेसिपी है घर का। देखिए मोदक बन के तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है मोदक। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मोदक बना रही हूँ, वो भी इतना अच्छा।
तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी बना रही है। तो पानी हम सब मोदक बना लिए हैं और इस छलनी को अंदर मैं घी लगा लेती हूँ चारों तरफ। मम्मी मेरी घी लगा रही है चारों तरफ। तो पानी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में जब उबाल आ जाएगा, देखिए हमारा मोदक बनके तैयार हो चुका है सारे मोदक। तो फिर उसके बाद चलिए टोप के ऊपर छलनी को रखते हैं और एक एक मोदक इस छलनी के अंदर हम रखेंगे उठाकर। इस तरह से हम मोदक को रखेंगे, सारे मोदक इस तरह से हम रखते चले जाएंगे। तो सारे मोदक को मैंने रख लिया है छलनी के अंदर। अब इसे हम ढक देते हैं, ढक। चलिए देखते हैं मोदक हो गया है कि नहीं। तो मोदक एकदम अच्छी तरह से बन चुका है, देखिए एकदम अच्छी तरह से मोदक बन चुका है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। तो गणपति पापा का ये प्रसाद है, तो सबसे पहले मैं भगवान को चढ़ाऊंगी, गणपति पापा को। उसके बाद में देखिए मोदक बन के तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।